मानसी राठौर, निजार हलचल में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं नगर की प्रमुख हलचलें। निगम प्रशासन के स्वच्छता के दावों की खुली पोल। पुरोहित का वास क्षेत्र में सड़कों पर पसा पड़ा कचरा और नालियों में जमी गाद, नगर सरकार की पोल खोलती तस्वीर। वहीं डेंगू के मरीज मिलने से क्षेत्र निवासियों में दहशत। रतलाम के सिंघम ने सुशासन का आम जनता को कराया एहसास। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने देर रात निरीक्षण करते हुए कड़ाके की ठंड में सड़क पर सो रहे निराश्रित जनों को रेन बसेरा पहुंचाया। मानवता की मिसाल बेमिसाल। सदियों की परंपरा का किया जैन समाज ने निर्वाहन। बैलगाड़ी में बैठकर श्री ऋषभ देव जी के दर्शन करने पहुंचे धर्मावलंबी। बिबड़ो तीर्थ पर हुआ मेले का आयोजन। सनातन धर्म सभा एवं महारुद्र यज्ञ समिति द्वारा आयोजित 11 दिवसीय महारुद्र यज्ञ का पूर्णाहुति के साथ हुआ समापन। समापन अवसर पर गंगाजल का कार्यक्रम किया आयोजित। सड़कों पर पड़ी गंदगी और नालियों में पड़ी जमागात को देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि धरातल पर नगर सरकार के दावों के उलट ही तस्वीर दिखाई देती है। नगर सरकार स्वच्छता के लाख दावे करे लेकिन हकीकत धरातल पर अलग ही दिखाई देती है। सड़कों पर पड़ी गंदगी और नालियों में पड़ी जमागात को देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि धरातल पर नगर सरकार के दावों की उलट की तस्वीर दिख रही है। यह तस्वीर पुरोहित जी का वास बड़े रामद्वार की है। यहां पर दीपावली से पूर्व सफाई कर्मचारियों द्वारा नाली सफाई के नाम पर नाली के ऊपर लगी फर्शी को तोड़ने के साथ ही बड़ा गड्ढा भी घर के आगे करके चले गए थे। तब से लेकर अब तक ना तो यह नाली सफाई करने पहुंचे हैं और ना ही गड्ढे को बंद करने। क्षेत्र निवासी ने बताया कि हमने इसकी जानकारी पार्षद प्रतिनिधि के साथ ही सफाई कर्मचारी एवं नगर निगम के अधिकारियों को भी दे दी। बावजूद इसके महीनों से उक्त समस्या का निराकरण ही नहीं हुआ। साथ ही गंभीर बात तो यह है कि पिछले 3 दिन पूर्व ही इस क्षेत्र में एक डेंगू का मरीज मिला है, जिसकी वजह से क्षेत्रीय निवासियों के हाथ पांव फूले हुए हैं। बावजूद इसके ना तो निगम अधिकारी एवं सफाई कर्मचारी ध्यान दे रहे हैं और ना ही जनप्रतिनिधि। ऐसे में लोगों के सामने यह समस्या खड़ी हो गई कि आखिर करे तो क्या करे। वहीं नाली का पानी सड़कों पर बिखरा पड़ा है, जिसकी वजह से डेंगू के साथ ही क्षेत्र में अन्य बीमारी होने का खतरा भी उत्पन्न हो गया है। क्षेत्रीय निवासी ने जानकारी देते हुए बताया, नाली दिवाली के पहले से नाली बंद पड़ी है, न सफाई हो रही है, पानी जाम का जाम दे रहा है। कितनी बार प्रतिनिधि को भी उनको करा, दरों का भी बोला, पर सफाई होती नहीं है, पानी भरा भरा रह रहा है, मच्छर इतने परेशान कर रहे हैं कुछ। अभी 4 दिन पहले यहाँ डेंगू का मरीज निकला है, उसके बाद भी सुनने को कोई तैयार नहीं है। आपने इस बात की इत्तला नगर निगम में भी दे चुके हैं, इसकी इत्तला दरोगा को भी दे चुके हैं, पार्षद प्रतिनिधि जो आते हैं उनको भी कई बार सूचना दे चुके हैं, पर कोई सुनने को तैयार नहीं। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने देर रात्रि नगर निगम से रतलाम शहर के उन क्षेत्रों का भ्रमण किया जहां पर गरीब एवं कमजोर तबके के लोग खुले आकाश के नीचे ही कड़ाके की सर्दी में अपनी रात बिताते हैं। सुशासन की बात करना और सुशासन एहसास होना दोनों में बहुत फर्क है। यही कारण है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आम जनता को सुशासन का एहसास हो सके, उसके लिए प्रदेश के समस्त आला अधिकारियों को निर्देशित करते हुए ऐसे कार्य करने को कहा जिससे आम जनता सिर्फ कागजों पर ही सुशासन ना देखे बल्कि आम जनता को धरातल पर भी सुशासन का एहसास हो सके। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले निर्देशों के बाद रतलाम के सिंघम में ऐसा जनहित में काम किया कि प्रदेश के अन्य आला अधिकारी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने देर रात्रि नगर निगम से रतलाम शहर के उन क्षेत्रों का भ्रमण किया जहां पर गरीब एवं कमजोर तबकों के लोग खुले आकाश के नीचे ही कड़ाके की सर्दी में अपनी रात बिताते हैं। ऐसी जगह पर से कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने निरीक्षण करते हुए निगम के अधिकारियों एवं पुलिस कर्मचारियों की मदद से ऐसे निराश्रित लोगों को नगर निगम द्वारा संचालित रेन बसेरा में पहुंचाकर उनको सुशासन का एहसास करवाया।
कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने स्टेशन रोड पर बस स्टैंड के साथ ही अन्य ऐसी जगहों का निरीक्षण किया जहां पर लोग कड़ाके की ठंड में भी जानकारी के अभाव में खुले आसमान के नीचे सोते थे। ऐसे लोगों को कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने राहत पहुंचाकर निश्चित ही प्रदेश शासन के मुखिया के सुशासन सप्ताह को साकार करने की कोशिश की है। यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसी सर्दी में यहाँ क्यों लेटे हो? चलो एक बसेरे में सोएंगे। चलो बोलो, चलो क्यों यहाँ लग रहे हो? बोलो आप कैसे हैं अम्मा? अम्मा यहाँ पे नहीं सो रहा है, वहाँ सोएंगे अपन। वाह वाह भाई भाई, ठीक है। वहाँ से तुमको जो कामकाज करना है आगे करो, चले जाना कामकाज करना, ठीक है। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने जानकारी देते हुए बताया। देखिए आपको विदित है कि जो हम लोगों ने आज देखा कि शहर में काफ़ी जो विभिन्न कामों में लगे लोग हैं या जो कोई भिक्षा भक्ति करते हैं या बाहर से आके यहाँ किसी भी किन्नी व्यर्थ के कारणों से यहाँ पे लोग रुके हैं, उन लोगों को आज पुलिस में SP साहब और हम लोग सब निकले हैं और उनको रेन बसेरे में पहुँचाने की कार्रवाई हम लोगों ने की है। ये निरंतर रूप से होनी भी चाहिए और चूँकि अभी काफ़ी ठंड हो रही है और ठंड को देखते हुए इनका सुरक्षित रहना भी ज़रूरी है, तो नगर पालिका में कमिश्नर साहब हैं और उनकी पूरी टीम है, तो इनको हम लोगों ने इनसे निवेदन करके इनसे अनुरोध किया है कि ये अपने वहाँ रेन बसेरे में निवास करें। और खूब सारे लोग तो यहाँ पे बाहर के भी है जो उनके बच्चों ने उनको यहाँ पे रहने पहुँचाया है, तो ऐसे लोगों को हम पता भी कर रहे हैं कि किसने अपने बच्चों को यहाँ पे पहुँचाया है, उनके नाम इत्यादि भी नोट करें, तो उनके बच्चों के खिलाफ भी हम लोग जो माता पिता का भरण पोषण अधिनियम है उसके अंतर्गत कार्रवाई करेंगे। और जो सरकारी तरीका है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बताते हैं कि सभी लोगों को रेन बसेरे में व्यवस्थित तरीके से रखा जाए, उसका भी हम यहाँ पे पालन कर रहे हैं। रतलाम से 3 किलोमीटर दूर बिमरो तीर्थ पर प्रभु केसरनाथ के जन्म दिवस पर हर साल मेला लगता है। इस मेले में शामिल होने के लिए श्रद्धालु बैलगाड़ी से ही जाते हैं। फैशन के जमाने में जहां हर आदमी मर्सिडीज और BMW जैसी महंगी कारों में सफर का शौक रखता है, वहीं आज भी कई स्थानों पर परंपराएं ऐसी है कि लोग महंगी गाड़ियां छोड़कर बैलगाड़ी में खुशी खुशी सफर करते हैं। जी हां, ये परंपरा कहीं और नहीं बल्कि प्रदेश के रतलाम में जारी है, जहां बिमरो तीर्थ पर दर्शन के लिए श्रद्धालु आज भी बैलगाड़ी से ही पहुंचते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। दरअसल रतलाम से 3 किलोमीटर दूर बिमरो तीर्थ पर प्रभु केसरनाथ के जन्म दिवस पर हर साल मेला लगता है। इस मेले में शामिल होने के लिए श्रद्धालु बैलगाड़ी से ही जाते हैं। ऐसा ही नजारा शुक्रवार के दिन यहां देखने को मिला। धार्मिक मान्यता है कि प्रभु केसरनाथ का चिन्ह बैल है, इसलिए लोग यहां बैलगाड़ी से पहुंचते हैं। यह भी कहा जाता है कि पुराने जमाने में लोगों के पास यहाँ आने का एकमात्र साधन बैलगाड़ी होता था, इसलिए लोग आज भी इसी परंपरा का निर्वहन करते हैं, बैलगाड़ी से ही यहाँ आ रहे हैं और हर साल बिमरो तीर्थ पर प्रभु केसरनाथ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में रतलाम की जनता पहुँचती है और इस बार भी इस सिद्ध क्षेत्र में प्रभु केसरनाथ का रत्नों से किया गया विशेष श्रृंगार भक्तों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। खास बात तो यह है कि यहाँ लगने वाले मेले में झूले भी परंपरागत है। यहाँ आज भी हाथों से धकाए जाने वाले लकड़ी के झूले लगाए जाते हैं, जिसका लुफ्त लेने भी लोग यहाँ आते हैं। इस मेले को लेकर महिलाओं और बच्चों में भी खासा उत्साह नजर आया और यह लोग हर साल इस मेले का शिद्दत से इंतजार करते हैं। देव भगवान का चिन्ह जो है वो बेल है, इसीलिए हम बैलगाड़ी से जाते हैं। और पहले ज़माने में व्हीकल नहीं होते थे तो बैलगाड़ी से ही जाते थे, इसलिए वो पुरानी परंपरा चली आ रही है, तो हम भी उसको निभा रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो तीर्थ जो है आदिनाथ भगवान का, आदेश्वर दादा का काफ़ी प्राचीन तीर्थ है। ये हमारे पूर्वजों से परंपरा चली आ रही है कि सब बैलगाड़ी ही मोस्टली यूज़ करते थे, पहले व्हीकल नहीं होते थे, इसलिए। और दिन भर वहाँ पर जाते, कोई टिफ़िन पार्टी करता है, कोई कैसा एंजॉय करता है, लकड़ी के झूले रहते हैं।
और मेन तो सभी का दादा का दर्शन करने का रहता है। ऑलमोस्ट जितने भी जैन हैं वो सभी आज के दिन दादा का दर्शन करने के लिए जाते हैं। अब बारीक छोटे से ब्रेक की। मम्मी क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? मम्मी प्लीज सब पापा को बाहर खाना खाने के लिए मनाओ ना। मैं नहीं बोलूंगी पापा को, पापा आए तो तुम ही बात कर लेना। मैं आज आल की सब्जी बनाऊंगी, तुमको वही खाना है। लो आ गए तुम्हारे पापा, संभालो अपने बच्चों को। क्या हुआ, आज फिर बाहर खाना खाने की जिद कर रहे हैं? आज हमारे स्टाफ में बात चल रही थी कि रतलाम में एक नया रेस्टोरेंट और भोजनालय खुला है। हमारे स्टाफ के कुछ लोग खाना खाकर भी आए, बड़ी तारीफ कर रहे थे उस खाने की, और उसका मेनू तुम देखोगी तो दंग रह जाओगी। अरे बजट भी कम है। तो चलो फिर। चलो बच्चों। आप कब आ रहे हो? हमारी विशेषताएं कंडे के सिके बाफले, पानी है और चूल्हे पर बनी मक्की की रोटी। केसर कस्तूरी फैमिली रेस्टोरेंट एवं भोजनालय, गणगोरिया हनुमान जी के पास, कनेरी रोड, रतलाम। फोन नंबर 8319022320। त्रिवेणी मेले के अंतिम दिवस पर श्री सनातन धर्म सभा एवं महारुद्र यज्ञ समिति द्वारा जहां यज्ञ की पूर्णाहुति करने के साथ में 11 दिवसीय महारुद्र यज्ञ का समापन हुआ। सनातन संस्कृति का प्रतीक बन चुके त्रिवेणी मेले के अंतिम दिवस पर श्री सनातन धर्म सभा एवं महारुद्र यज्ञ समिति द्वारा जहां यज्ञ की पूर्णाहुति करने के साथ में 11 दिवसीय महारुद्र यज्ञ का समापन हुआ, वहीं महारुद्र यज्ञ के अंतिम दिन समिति द्वारा गंगाजल का कार्यक्रम आयोजित किया गया। गंगाजल के कार्यक्रम में माताओं बहनों द्वारा बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल होकर गंगाजल यात्रा को सफल बनाया। इस अवसर पर श्री सनातन धर्म सभा एवं महारुद्र यज्ञ समिति के सदस्य एवं पदाधिकारी गण के साथ श्रद्धालु जन उपस्थित रहे। रखते हुए महापौर ने न्यू क्लॉथ मार्केट के साथ ही अन्य अतिक्रमण हटाने वाली जगह का निरीक्षण करते हुए निगमायुक्त के साथ ही अन्य मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला प्रशासन एवं निगम प्रशासन द्वारा शहर को नगर से महानगर बनाने एवं सुव्यवस्थित यातायात के उद्देश्य से जगह जगह पर पड़े अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी के साथ ही महापौर प्रहलाद पटेल व निगम आयुक्त द्वारा निरीक्षण करते हुए अतिक्रमण हटाने के कार्य का जायजा लिया जा रहा है। इसी क्रम में शहर के कुछ व्यापारियों द्वारा महापौर से मुलाकात करते हुए उनको अपनी समस्याओं से अवगत करवाया गया था। व्यापारियों की समस्याओं को ध्यान रखते हुए महापौर ने न्यू क्लॉथ मार्केट के साथ ही अन्य अतिक्रमण हटाने वाली जगह का निरीक्षण करते हुए निगम आयुक्त के साथ ही अन्य मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही अतिक्रमण मुहिम के दौरान व्यापारियों द्वारा स्वयं नालियों के ऊपर से तोड़े गए अतिक्रमण का अवलोकन निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट व निगम अधिकारियों के साथ किया। भारत स्काउट गाइड राज्य मुख्यालय भोपाल के आदेश अनुसार 5 दिवसीय जिला प्रशिक्षण केंद्र स्काउट ग्राम अमरेटा में आयोजित किया गया। भारत स्काउट गाइड राज्य मुख्यालय भोपाल एवं जिला शिक्षा अधिकारियों
कमिश्नर के आदेश अनुसार 5 दिवसीय जिला प्रशिक्षण केंद्र स्काउट ग्राम अमलेटा में आयोजित किया गया। आयोजन में आगामी 2 से 10 जनवरी 2023 तक राजस्थान के पाली जिले में स्काउट गाइड की 18वीं राष्ट्रीय सार्क जम्बूरी में सम्मिलित होने वाले स्काउट गाइड की योग्यता के क्रम में एवं तैयारी के लिए द्वितीय सोपान स्काउट गाइड जांच शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण प्रभारी एवं शिविर संचालक जगदीश चंद्र डोडिया ने बताया कि राष्ट्रीय जम्बूरी में भाग लेने वाले स्काउट गाइड को द्वितीय सोपान का पाठ्यक्रम पूर्ण करना आवश्यक है। इसी कड़ी में जिला स्तर का द्वितीय सोपान जांच शिविर में जम्बूरी की तैयारी के लिए पूर्वाभ्यास आवश्यक है। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर कैलाश चंद्र व्यास, रमेश चंद्र राठौड़, आशा दुबे, भावना पुरोहित, ललिता कदम ने प्रवेश पाठ्यक्रम, प्रथम सोपान पाठ्यक्रम एवं द्वितीय सोपान पाठ्यक्रम पूर्ण करवाया। शिविर में प्रार्थना, नियम, प्रतिज्ञा, ध्वज गीत, बायां हाथ मिलाना, टोली भावना, प्राथमिक सहायता एवं उपचार, शिविर जीवन, गांठों का अभ्यास, रस्सी आदि कार्यक्रम का अभ्यास करवाया गया। प्रशिक्षण के प्रथम दिवस की मुख्य अतिथि डॉक्टर सुलोचना शर्मा, राष्ट्रीय बुलबुल कमिश्नर एवं राज्य गाइड कमिश्नर कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला संघ भारत स्काउट गाइड ओम प्रकाश त्रिवेदी, जिला संघ भारत स्काउट गाइड ओम प्रकाश त्रिवेदी, विशेष अतिथि रोवर कमिश्नर गोपाल जोशी ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री विशाल शिविर ज्वाला कार्यक्रम में स्काउट गाइड ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, नृत्य नाट्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज के लिए बस यही तक, फिर मुलाकात होगी नई सुर्खियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। निगम प्रशासन के स्वच्छता के दावों की खुली पोल, पुरोहित जी का वास, क्षेत्र में सड़कों पर पसा पड़ा कचरा और नालियों में जमी गाद, नगर सरकार की पोल खोलती तस्वीर। वहीं डेंगू के मरीज मिलने से क्षेत्र वासियों में दहशत। रतलाम के सिंघम ने सुशासन का आम जनता को कराया एहसास, कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने देर रात निरीक्षण करते हुए कड़ाके की ठंड में सड़क पर सो रहे निराश्रित जनों को रेन बसेरा पहुंचाया। मानवता की मिसाल बेमिसाल। सदियों की परंपरा का किया जैन समाज ने निर्वाहन, बैलगाड़ी में बैठकर श्री ऋषभ देव जी के दर्शन करने पहुंचे धर्मावलंबी, बिबड़ो तीर्थ पर हुआ मेले का आयोजन। धर्म सभा एवं महारुद्र यज्ञ समिति द्वारा आयोजित 11 दिवसीय महारुद्र यज्ञ का पूर्णाहुति के साथ हुआ समापन। समापन अवसर पर गंगाजल का कार्यक्रम किया आयोजित।